वो तो 24 घंटे सातों दिन महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन तैयार है, चाहे पार्षद में है चाहे मेयर पद के लिए है, सभी आए। इसके लिए आगे देखते हैं क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या होगा। पिछली बार भी हमने अप्लाई किया था चुनाव में। हमारे फादर मदर हमारी फैमिली जो है कोई जनसन से जी, मैं ये नहीं कहूँगा नेता, मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी और संगठन के लिए जो मुझसे हो सकता है उसका मैंने थोड़ा सा प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम गुरुराम के प्रदेश कार्यालय गुरु कमल में खड़े हुए हैं, जहां पर आज कमल गुप्ता ने एक संदेश जारी किया था पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जो कि उम्मीदवार पार्षद और मेयर के होंगे, वो लोग अपने अपने बायोडाटा जमा करें। आज उसी उम्मीद के साथ में है यहाँ पर हर नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है। आगामी मानेसर, फरीदाबाद और गुरुराम में चुनाव, उसी को लेकर हमारे बीच में सुमन दहिया अधिवक्ता मौजूद हैं। आज आपने यहाँ पर अपना बायोडाटा जमा किया है, तो किस उम्मीद के साथ आपने अपनी दावेदारी दी है? जी देखिए, आज हमारा शीर्ष नेतृत्व से यही आदेश आए थे कि आज जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, चाहे पार्षद में है चाहे मेयर पद के लिए है, सभी आए। और कमल गुप्ता जी जो कि आदरणीय मंत्री जी हमारे प्रभारी हैं गुरुग्राम क्षेत्र के, वो आज सभी के बायोडाटा ले रहे हैं, तो उसी के एवज में आज सभी लोग आए हैं, उसी में मैं भी आई। मैंने भी मेयर पद के लिए अपना आवेदन दिया है और बाकी इस पर क्या आगे निर्णय लिए जाते हैं तो वो देखते हैं, आवेदन मैं कर चुकी हूँ। पार्षद की दावेदारी करने के लिए हमारे बीच में ऋतु मौजूद हैं, सुमित्रमा मैडम, शारदा जी मौजूद हैं, तमाम ऐसे साथी जो कि इस बार पहली बार चुनाव लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं, उनके प्रचार प्रसार में काफी चीज। ऋतु जी, कौन सा वार्ड है आपका? मैं वार्ड नंबर 17 से हूँ। 17 से आज आपने अपनी दावेदारी आवेदन दिया? बिल्कुल, आज मैंने अपना बायोडाटा मंत्री जी के पास जमा किया है और जया जी के पास भी मैंने जमा किया है। इसके लिए आगे देखते हैं क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या होगा, कौन कहाँ तक जाएगा। कुछ पूछा गया आपसे? हाँ, मंत्री जी ने पूछा गया था कि आप क्या करते हैं, कितने दिन से पार्टी में हैं, क्या किस पद पर हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, तो सब वो क्वेश्चन थे जो हर किसी से पूछे जा रहे थे, हर किसी ने जवाब दिए। पर मंत्री जी की बायोडाटा देखकर ही वो बता सकते हैं कि कौन आगे जा सकता है और कौन रह सकता है। आपके अलावा कोई और दावेदार है आपके? नहीं, मेरे वार्ड से मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं वार्ड नंबर 17 से हूँ और देखते हैं क्या होता है। ठीक, शारदा जी कैसे, आज कौन से वार्ड से आपने अपना आवेदन जी? मैंने आज कमल गुप्ता जी हमारे मंत्री जी आए हैं, जो गुरुग्राम से जो भी भावी उम्मीदवार हैं उन सबका उन्होंने बायोडाटा लिया है, तो उन्होंने मैंने दिया है वार्ड नंबर 19 से शारदा शर्मा ने, तो मैं बीजेपी कार्यालय में आई हूँ और मैंने शीतला मंडल से महिला मोर्चा में महामंत्री। वार्ड 29 से दावेदारी करने के लिए आज त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। वीरेंद्र त्यागी, और 2011 में पहला निगम चुनाव महिला सीट थी, अपनी वाइफ को धर्मपति को लड़वाया था मैंने, 17 कैंडिडेट थे, 6 पोजीशन। उसके बाद RW में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा, 2011 से 2016 तक RW का प्रेसिडेंट रहकर लोगों की सेवा की। तत्पश्चात भाजपा से जुड़े, पहले उपाध्यक्ष रहे, अब जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। और पिछली बार भी हमने अप्लाई किया था चुनाव में, बायोडाटा अपना भेजा था, लेकिन वो टिकट पिछली बार हमारे भाई कुलदीप यादव जी को मिली, तो हमने अपना समर्पण दिया पार्टी हित में, भाई कुलदीप को अपना समर्थन देके उसे विजयी बनवाया। आज गुप्ता जी ने क्या सवाल किए आपसे? कि गुप्ता जी ये तो सवाल नॉर्मल हैं, कोई ऐसे ज़्यादा नहीं है, उन्होंने बस किस बात से है, किस क्या क्या आपने काम किए हैं, किस क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं, सोशल मीडिया पे या सोशल क्षेत्र में कितने एक्टिव रहे हैं, यही बातें हैं दो चार। बायोडाटा हमने सबमिट कर दिया है, इस बार पार्टी भी कुछ अलग करेगी शायद, और पार्टी आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई चेहरों को चांस देगी, ऐसी उम्मीद है, और इस उम्मीद पर शायद पार्टी खरा उतरेगी और काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। अजय यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद उम्मीदवार के लिए आज अपना आवेदन दिया है,
जो कि बायोडाटा जो कमल गुप्ता जी मंत्री जी ने मांगा था, तो क्या सवाल किए गए और किस उम्मीद के साथ आप पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? सर, पार्टी के साथ तो मैं 2007 से जुड़ा हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, और 2014 में मैं सक्रिय बूथ मेंबर भी रहा हूँ पार्टी के लिए। आज कमल गुप्ता जी से मुझसे इतना ही पूछा है कि भाई आप पार्टी के लिए कितने टाइम से काम कर रहे हैं और क्या आपके पास पद है, तो मैंने बताया मेरे पद तो कोई नहीं है, लेकिन मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और करना रहूँगा। बहुत विजय तिवारी ने आज आवेदन मानेसर से वार्ड नंबर 1 से भरा है, क्या आज पंकज गुप्ता जी ने आपसे प्रश्न किए कि आप चुनाव किस आधार पर लड़ना चाहते हैं और आप कब से जुड़े हुए हैं? सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं। अब मैं पार्टी के उसको देख करके मैं 1996 से जुड़ा हूं भारतीय जनता पार्टी से, और एक सक्रिय सदस्य के रूप में जो भी गवर्नमेंट के सक्रिय योजनाएं हैं जनकल्याणकारी, वो समाज में अपने क्षेत्र में लोगों को पहुंचा रहे हैं। फारूक मंडल में मेरा युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष का दायित्व है, और ये सब क्रियाकलाप को देख के मुझे लगा कि हम भी कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, इस वजह से मैंने आज पर्चा दाखिला किया है भारतीय जनता पार्टी। उम्मीद है इस बार नए चेहरों को भाजपा? हाँ, उम्मीद है सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को युवा मोर्चा में से लेके आएगी और टिकट देगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग स्थिति को मजबूत करें और एक बढ़िया सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी से काफी लंबे वक्त से जुड़े हुए बाली पंडित, बीच में छोड़ा भी था परंतु फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, आज भारतीय जनता पार्टी के बीच में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि नवीन गोयल के साथ भी मिलकर कई ऐसे मुद्दों पर या पर कई गुरुग्राम के ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं। बाली पंडित आज आवेदन इन्होंने बायोडाटा अपना दिया है, जो कि कमल गुप्ता मंत्री जी हैं, आज उन्होंने सबसे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्षद और मेयर का उनसे मांगा था, तो आपने किस वार्ड से आज बाली पंडित जी किससे भरा है? मैंने तो मैं आपका एक थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा, मैंने पार्टी को बीच में छोड़ा नहीं था, मैं जिनके साथ था राजकुमार सैनी जी उनके साथ था, और उन्होंने भी पार्टी को नहीं छोड़ा था, तो जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो हमने भी नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली भाई साहब, पार्टी वैसे बना ली, लेकिन पार्टी बना ली छोड़ दी, मतलब एक रजिस्ट्रेशन का एक टेक्निकल सिस्टम होता है, तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ा नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी की बात है वो। एक चीज़ और सुधारना चाहूँगा कि बाली पंडित का नाम पूरा मुकेश शर्मा है, और क्योंकि भाई दर्शक को पता होना चाहिए, मेरा नाम मुकेश शर्मा और बाली पंडित, और मैं गुड़गांव गांव का निवासी हूँ, और गुड़गांव गांव अभी जो फिलहाल वार्ड नंबर 8 में आता है, तो 8 नंबर वार्ड से ही मैंने आवेदन दिया। गगन गोयल गुरुग्राम का वो चेहरा जो कि आपको फ्लैक्सों पर टंगा हुआ या फिर रोडों पर या फिर दीवारों पर कई फ्लैक्स मिल जाएंगे, नवीन गोयल का लोग बाग ये भी कहते हैं, उनके साथ कई विषयों पर इन्होंने भी कार्य किए, और एक गुरुग्राम में अपना एक नाम या फिर अपने क्षेत्र में गुरुग्राम शहर में अपना नाम गगन गोयल लोगों के बीच दिल और दिमाग में बैठा दिया, वही गगन गोयल आज गुरु कमल कार्यालय भाजपा में अपना आवेदन या ये कहा जाए बायोडाटा देने आए, जो कि आज कमल गुप्ता जी, तो क्या आपसे सवाल किए गए गगन? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ भाई। दूसरा, कमल गुप्ता जी ने बस ये पूछा कि आप पार्टी में कितने सालों से काम कर रहे हो और आपका दायित्व क्या है पार्टी में, तो मैंने बता दिया मुझे 14-15 साल पार्टी में काम करते हुए, और मैं भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा रहना हूँ और पुराना निवासी गुरुग्राम का ही हूँ। आज सर आपने आवेदन भरने के लिए जो मेयर पद के उम्मीदवार और पार्षद के मानेसर गुरुग्राम आज आपने यहाँ पर लोगों को बोला था, कितने लोगों ने आज देखिए मानेसर के तो नहीं, ये जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व में गुड़गांव नगर निगम की जिम्मेवारी दी है, तो उसके चुनाव की दृष्टि से आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे जो चुनाव की तैयारियाँ होती हैं वो मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक होती हैं, तो ये एक तैयारी का हिस्सा है, हमारे इतने लोग हैं चुनाव लड़ने वाले, इतने इच्छुक सब लोग हैं, तो इस दृष्टि से मैं यहाँ आया था और काफ़ी कार्यकर्ताओं से मिला, लगभग 170 कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन दिए हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं, तो उन सबके बायोडाटा हमने लिए हैं, इन पर विचार करेगी पार्टी, और अभी तो और भी बहुत लोग हैं, हो सकता है कि ये सेशन आज ही समाप्त ना हो, एक दो दफ़ा दो तीन दफ़ा और भी करना पड़े, तो बड़ी अच्छा उत्साह है सब में, लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
अच्छी तैयारी है हमारे कार्यकर्ताओं की। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है वो आपको हाथ कंगन को आरसी क्या पता लग जाएगा कि गुड़गांव का जो निगम का चुनाव है वो हम 100% मेयर का भी जीतेंगे और पार्षद भी हमारे पास। इस बार सर किस प्रकार से टिकट किस आधार पर आप बांट रहे हैं, मतलब किस आधार पर देंगे? ये पार्टी का जो नेतृत्व है वो फैसला करेगा। मंत्री जी कितने मेयर पद के लिए कितने आवेदन आए अब तक? नहीं, अभी हमने पूरी काउंटिंग नहीं की, लेकिन 170 आवेदन आए हैं टोटल। हम पार्षद मेयर लगे, हाँ जी हाँ, तो उनको अभी हम जरा कैटेगरी वाइज और वो सब लिस्ट वगैरह बनाएंगे। सर अभी बाड़बंदी नहीं हुई है और आप लोग पहले से ही लोगों के आवेदन मांगने लगे? वो तैयारी तो जब सारे 5 साल चलती है ना, पूरे के पूरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया ना कैडर बेस्ड पार्टी है, वो तो 24 घंटे 7 दिन महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन तैयार है भाई। कभी कोई कभी आ जाइए, कैसे आ जाइए। मंत्री जी कब तक चुनाव होने की उम्मीद है, क्या अप्रैल तक? ये चुनाव आयोग बताए। हमारे बीच गुप्ता जी मौजूद हैं, जिस प्रकार से गुरुराम और मानेसर फरीदाबाद आगामी चुनाव भी नज़दीक है मेयर और पार्षद का, जिसको लेकर आज मंत्री कमल गुप्ता ने आज गुरु कमल कार्यालय में लोगों के दस्तावेज मांगे जो कि उम्मीदवार बनना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। जो आज तकरीबन 170 लोगों ने फॉर्म भरे हैं गुप्ता जी, तो थोड़ा सा पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार गुप्ता सेक्टर 15 का आठवले का प्रधान हूँ और पीछे इलेक्शन के अंदर मैं यहाँ से 66% वोट लेकर करके मैं विजयी रहा और अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं पार्षद का इलेक्शन लड़ूँ और मैंने पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से उनकी टिकट के ऊपर पार्टी की टिकट के ऊपर वार्ड 18 से अपना वर्तमान पार्षद वार्ड 18 से आपने इस बार जो फॉर्म भरने का जो आपने दस्तावेज आज दिए हैं उन्हें कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर बाड़बंदी हो गई अभी तो ऐसा? बाड़बंदी डिपेंड करता, बाड़बंदी डिपेंड करता। हमारे को ये उम्मीद लग रही थी कि शायद ये हमारा 15 पार्ट 1 15 पार्ट 2 ये 18 वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जैसा भी बाड़बंदी करनी चाहेगी जो बाड़बंदी होगी उस हिसाब से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारा 15 पार्ट 1 15 पार्ट 2 और ये जो है शहर के अंदर मिल जाएगा। और हम इस बात आज क्या कमल गुप्ता मंत्री साहब ने आपसे प्रश्न किए कि आप आज दस्तावेज देने आए, किस उम्मीद के साथ, क्या आप कब से जुड़े, क्या 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 प्रश्न किए? उन्होंने यही पूछा कि आप पार्टी में कब से हैं, तो हमने ये जवाब दिया कि हम तो बचपन से हैं, क्योंकि हमारे फादर मदर जो है हमारी फैमिली जो है पूरी जनसंघ से थी जब हम पैदे भी नहीं हुए थे, और जनसंघ के बाद जो है जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी। तो हम ये कब कैसे बता सकते हैं कि हम कब से हैं, तो शुरू से ही पैदा होते हैं, तो बीजेपी नहीं है। और उन्होंने यही पूछा हमसे कि भी आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मैं कहा जी हाँ आप इलेक्शन लड़वाएंगे तो हम जरूर लड़ेंगे और आप हमें टिकट देंगे तो हम जरूर लड़ेंगे। आप किन ऐसा क्या रह गया कि इस बार आपने सोचा कि मुझे इस बार चुनाव लड़ना चाहिए, कहाँ लोगों की सेवा में कमी रह गई या फिर आपके क्षेत्र में क्या विकास रह गया जिस कारण बस इस बार आपने सोचा कि मैं इन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ूंगा? विकास काफ़ी जगह जैसे कम रहे, विकास तो देखो पार्टी के अंदर हुए, निगम के अंदर विकास हुए, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों और भी करवाया जा सकता था, बहुत से विकास कराए जा सकते थे जो जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलकर के जो करने चाहिए थे नहीं करे। हम अधिकारियों से किसी भी तरीके से वो कार्य करवाएंगे। आज दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कमल गुप्ता ने आज गुरु कमल कार्यालय में लोगों से मंगाए जो कि पार्षद और मेयर के उम्मीदवार हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में अमित गोयल जी मौजूद हैं जो कि एक गुरुराम शहर का एक अपने आप में एक जाना माना चेहरा है, जो कि आए दिन कई विषयों पर मुद्दों पर आपने इनको टीवी चैनल और अखबारों में देखा भी होगा। कैसे देखते हैं, आपने भी आज एक वार्ड के लिए अपना दस्तावेज सबमिट किए हैं? नहीं, सबसे पहले तो आपको मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप आज हमारी बात सुनने के लिए आए। और देखिए पार्टी संगठन ने जो जो साथी चुनाव लड़ना चाहते थे उनके लिए आज एक समय निश्चित किया था। माननीय आदरणीय मंत्री जी कमल गुप्ता जी ने आज सबके बायोडाटा लिए हैं, तो हमने भी अपना बायोडाटा जमा कराया है कि भाई पार्टी संगठन एक कार्यकर्ता के रूप में
पहले भी जिम्मेवारी दी है और अगर हमें कोई जिम्मेवारी एक नगर निगम पार्षद की टिकट के रूप में देता है तो हम जी जान से पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए चुनाव लड़ेंगे और कोई आदेश ऐसा मिलता है हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी संगठन हमसे बेहतर या किसी को भी उम्मीदवार बनाता है। आप तो मजे हुए पुराने खिलाड़ी भी कहा जाए, नेता भी हैं, तो क्या आपसे गुप्ता जी ने प्रश्न किया, क्योंकि उनको तो पता है कि अमित पहले से ही है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा नेता, मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी और संगठन के लिए जो मुझसे हो सकता है उसका मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी ने ये पूछा कि आप कितने दिन से पार्टी में हैं, मैंने कहा मैं मुझे लगभग 15 वर्ष पार्टी की सेवा करते हुए और दूसरा अभी दायित्व का मेरे को पूछा गया तो मैंने कहा मैं CM विंडो एमिनेट पर्सन के रूप में दायित्व पे हूँ, शक्ति केंद्रपालक के रूप में भी मेरे पास दायित्व है। और इसके अलावा उन्होंने पूछा कि पहले चुनाव आपने कभी लड़ा क्या, मैंने कहा पिछली बार मैं इसी वार्ड 19 से पार्षद की टिकट के लिए मैंने अपनी बात रखी थी, पार्टी संगठन ने मुझे आदेश न देकर हमारे भाई प्रमोद मंगला जी को टिकट दी थी, उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस समय भी मैं 6 महीने लगातार मैंने धरातल पे तैयारी की थी और वो जो दफ्तर जो कि मैंने बनाया था और पार्टी संगठन के काम के लिए बनाया था, मैंने तो क्या बनाया भाई, पार्टी जिसको भी आदेश करी तो जैसे ही पार्टी ने आदेश किया हमने वो दफ्तर भी अपने पार्टी कैंडिडेट भाई प्रमोद मंगला जी को दे दिया था, ना हमने कोई फार्म भरा और जी जान से उनको जिताने के लिए प्रयास किया। ये तो कई बार वक्त ऐसा होता है कि भाई चुनाव में हार जीत लगी रहती है, तो उसी विषय पर मैंने अपना विषय रखा कि पार्टी संगठन अगर मुझे अब के बाद टिकट के लिए अगर मुझे आदेश करता है तो कार्यकर्ता के रूप में मैं जनसेवा पहले भी चल रही है, समाज सेवा पहले भी चल रही है और एक समाज सेवा एक जुनून है तो उसके साथ साथ हम थोड़ा सा अगर पार्टी का आदेश होगा तो उसको राजनीति को सम्मिलित करके और लोगों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा, पार्टी का CM विंडो का दायित्व मेरे पास है, अगर पार्टी मुझे पार्षद का चुनाव लड़ाएगी मैं CM विंडो से रिजाइन दूंगा, मैं पार्टी की उस विचारधारा को जो मेरे रगों में बस चुकी है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है हमेशा एक दायित्व अपने को रहना चाहिए, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पार्टी मुझे इसमें कंसिडर करेगी तो मैं CM विंडो को छोड़ दूंगा और मैं पार्षद के रूप में आगे। आगामी नगर निगम चुनाव गुरुग्राम मानेसर फरीदाबाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जोरों पर तैयारियां चल रही हैं, जिसको देखकर आज मंत्री कमल गुप्ता ने आज गुरुग्राम में प्रदेश कार्यालय गुरु कमल में लोगों के बायोडाटा मांगे, जिसमें 170 लोगों ने आवेदन भरे हैं जिसमें मेयर और पार्षद के लोग हैं। कमल गुप्ता का कहना है कि इस बार लोगों के अंदर एक जोश और जुनून है और वो लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हमारी एक अलग दिशा में कार्य करती है जो कि हर पार्टी से अलग है और इस बार हम गुरुग्राम मानेसर और फरीदाबाद तीनों जगह अपना परचम लड़ाएंगे जिससे कि द्वारा से हम जनता की सेवा कर सकें। कमल गुप्ता का कहना है कि आगे और भी दिन ऐसे सुनिश्चित किए जाएंगे जिसमें लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं या फिर जो अपना आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं या ये कहा जाए उनको बायोडाटा अभी सबमिट नहीं किया है वह लोग द्वारा से कर सकते हैं। कैमरामैन शिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुराम, धन्यवाद।